क्वेश्चन नंबर को बस, ठीक। अब यहाँ पर देखो, टू पर्सन वेइंग डब्लू ईच आर सिटिंग ऑन द प्लैंक। प्लैंक की लेंथ कितनी है? एल। प्लैंक यानी लकड़ी का पीस समझ, ठीक, लकड़ी का पट्टा। एल फ्लोटिंग ऑन वाटर, और बैठे कहाँ पर है? एक चौथाई, दोनों एंड से एक एक चौथाई डिस्टेंस पे बैठे। ये लकड़ी का प्लैंक, एक पर्सन यहाँ पर बैठा है, एक पर्सन यहाँ। ये डिस्टेंस कितना है? एल बाय फोर। ये डिस्टेंस कितना है? एल बाय फोर। टोटल लेंथ कितनी है? एल। टोटल लेंथ कितनी है? एल। आगे होता है नेगलेक्टिंग द वेट ऑफ प्लैंक। आपको इस प्लैंक का वेट क्या मानना है? नेगलेक्टेड। बेंडिंग मोमेंट एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ प्लैंक, क्या निकालना है? बेंडिंग मोमेंट एट मिडिल पॉइंट ऑफ प्लैंक। ये लकड़ी का प्लैंक था, ठीक। एक पर्सन यहाँ बैठा जिसका वजन कितना है? W। दूसरा पर्सन यहाँ बैठा जिसका वजन कितना है? W। ये कितना है? L by 4। ये कितना है? L by 4। और टोटल लेंथ कितनी है? L। और इस प्लैंक के वेट को क्या मानना है? नेग्लेक्टेड। तो इसमें पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे कितना होगा, या क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है मिडिल पॉइंट, कितना होगा मिडिल पॉइंट पे? जीरो। आंसर तो लगा हुआ था वहाँ पर, ठीक। क्या होगा? जीरो। प्रूफ करके देखते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? निकालो इसका बीएमडी। कैसे बनाएंगे इसको? कैसे बनाएंगे, ठीक। अभी इनकम्प्लीट है डायग्राम। ये प्लैंक किस में तैर रहा है? नदी, पानी, ठीक। तो पानी जो है इस पे क्या लगाएगी? अपवर्ड यूडीएल। तभी तो बैलेंस कंडीशन में ये चल रहा है। पानी को भूल गए तो डायग्राम बनेगा नहीं। अब मैं ये जो डायग्राम बनाई, ये यूडीएल को मान लो ले लूँ मैं डब्ल्यू, ठीक। अब मैं इसको उल्टा कर लूँ, फिर याद आया कहीं देखा है इसको, ठीक। देखा है क्या? कहाँ देखा है? मॉस की क्लास में, ठीक। डब्लू डब्लू, ये जो टोटल लोड है मान लो, इसको भी हमने क्या मान लिया? बराबर इक्विलिब्रियम में है। तो टोटल लोड कितना है? 2W किलो न्यूटन पर मीटर। अरे ये कितना हो जाएगा? L by 4। ये है बीच का जो भी है, L by 2 बचेगा। और ये कितना आया? L by 4। अब अगर आप इसको पूरा बनाने के लिए जाओगे पेपर में तो आधा घंटा कब जाएगा, पर बनेगा। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, आपको तीन रूल समझाए। When L is greater than 2, मैं इसको एक काम करती हूँ, कैपिटल L लिख देती हूँ, ठीक। L by 4, L by 2, L by 4। Second है when L is equal to 2, third है when L is less than 2। इसमें BMD कैसा बनता है? ऐसा। इसमें 0, इसमें ऐसा, ठीक। इसका BMD, BMD साथ साथ में आपको याद होना चाहिए। इस केस में 0 मिलता है, चेक तो करते हैं कि कहीं ये क्राइटेरिया तो नहीं। L क्या था? बीच के पोर्शन का लेंथ। L किसको माना था हमने? बीच के पोर्शन का लेंथ। कितना है ये? L by 2। A क्या है? एक साइड का ओवर है, ये A है। तो 2 into L by 4, कितना आया? L by 2। मतलब इक्वल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही, और इक्वल कंडीशन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? जीरो। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन। अगर आप वाटर को भूल गए, कहाँ तैर रहे हैं उसको तो देखना पड़ेगा। वाटर का लोड कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। हम मान रहे हैं कि जितना लोड ये दोनों पर्सन का लग रहा है उसी के बराबर लोड कौन लगा रहा है? वाटर। क्योंकि प्लैंक के लोड को क्या मान लिया? नेग्लेक्टेड, ठीक। तो पहले वाला डायग्राम बनाओ, ऊपर वाला, ठीक। ये असली डायग्राम है। ये वाटर प्रेशर भी लिख सकते हैं यूडीएल के फॉर्म में। स्मॉल डब्ल्यू लिखना है लिख लो, या स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा? दोनों वेट यानी 2W किलो न्यूटन पर मीटर रन के बराबर।
और इसको उल्टा कर देना, कॉपी को उल्टा करोगे तो आपको वही वाली सिचुएशन दिखेगी जो हमने पढ़ा है। तो ये प्लैंक वाला क्वेश्चन गेट में भी रिपीट किया था।